गधे का बच्चा बड़ा होगा गधा ही बनता है, उल्लू का बच्चा उल्लू ही बनता है, पर इंसान का बच्चा बड़ा होगा गधा ही बन सकता है और उल्लू ही बन सकता है। कैसे कैसे कि आप ये वीडियो देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम पवन है और आप दी नेशनल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। सुबह सुबह जब मैं सोकर उठा तो सबसे पहले अपना व्हाट्सएप खोला, उसमें एक मैसेज देखा, लिखा हुआ था कि पीएम मोदी जी के बारे में अगर कुछ भी लिखा तो पुलिस पकड़ लेगी। यार मैं तो डर गया, सोचा कि मेरा तो रोज का यही काम है और रोज ना जाने कितनी बार मोदी जी के खिलाफ लिखता रहता हूँ। मैसेज में दावा किया जा रहा था कि आने वाले कल से नए कम्युनिकेशन रेगुलेशन लागू होंगे, सारे फोन कॉल रिकॉर्ड होंगे और साथ में व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सरकार की नज़र रहेगी। आपके डिवाइसेस भी मिनिस्ट्री के सिस्टम से जुड़ जाएंगे। कुछ जगह पर मिला कि मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर रेगुलेशन है। कहा गया कि कोई भी फोटो हो या हो वीडियो जिसमें राजनीति के बारे में और देश के हालात के बारे में कुछ भी कहा गया हो या सरकार या प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखा हो, उसे शेयर मत करो। धर्म या राजनीति पर मैसेज मत लिखो, वरना बिना वारंट के गिरफ्तारी हो जाएगी। फालतू के मैसेज ना भेजें, ये साइबर क्राइम है, पुलिस पकड़ ले जाएगी। अब इस मैसेज को पढ़कर इतना डर लगा कि मेरे पसीने छूट गए। घर के बाहर देखा तो देश के सभी पुलिस वाले और सीबीआई वाले दरवाजा खटखटा रहे थे और कह रहे थे कि देखो हम आ गए तुम्हें पकड़ने, अब बचकर कहाँ जाओगे। खैर आप मत डरिए, ये महज आपसे एक मजाक है। अब असलियत जानिए कि असलियत है क्या इस मैसेज। पहली नजर में ये मैसेज मुझे फर्जी मैसेज नजर आया। इस मैसेज में जिस तरह की बातें लिखी हुई थी वो बातें लोकतंत्र में संभव ही नहीं है। ऐसा सिर्फ तानाशाही में ही संभव हो सकता है, लेकिन इस देश में तानाशाही अभी लागू नहीं हुई है और ना ही कभी लागू होगी। इस मैसेज में कहा गया था कि आपके डिवाइसेस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर रेगुलेशन के सिस्टम से जुड़ जाएंगे, लेकिन आपको बता दें इस मुल्क में ऐसी कोई भी मिनिस्ट्री नहीं है जिसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर रेगुलेशन हो। हमने सोचा हो सकता है कि मिनिस्ट्री का नाम गलत लिखा हो, इसलिए हमने PIB और IT मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर यह खबर खोजी, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई खबर हमें नहीं मिली और ना ही कोई ऐसी सूचना मिली। जब होगी तभी तो मिलेगी। लेकिन इसी के साथ आपको बता दूं कि व्हाट्सएप के मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, यहाँ तक कि कोई मशीन भी नहीं पढ़ सकती। साथ में हमने पड़ताल आगे बढ़ाई और हमें सऊदी अरब की 2 साल पुरानी ऐसी एक पोस्ट नजर आई और ये पक्का हो गया कि ये मैसेज पूरी तरह से फर्जी है जो विदेशों से भारत आ गया है। नतीजा क्या निकला? नतीजा यही निकला कि इस मैसेज में लिखी हर बात, हर कोमा, हर फुल स्टॉप, हर टैग, हर क्लेम पूरी तरह से फर्जी, एकदम रात के अंधेरे में काले सांप का दिखने जैसा। ऐसा कुछ ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। आप बस मजे से नेट यूज करिए, बस झूठ मत फैलाइए, और अगर कोई फैलाए तो हमें भेज दीजिए। नमस्ते।